हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आओ हुण आपां 9th चैप्टर दे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करते हाँ। तो जे वो फस्ट क्वेश्चन तुसीं देख पा रहे हो, एक हाइड्रा दी वन नाल दो जां दो तों वध हाइड्रा पैदा हुंदे हन, इस प्रकार दी अलिंगी प्रजनन नूं की कहिंदे हन, इहनूं की कहिंदे आपां, इहनूं बडिंग कहिंदे हाँ। तो एक इत्थों क्वेश्चन आ भी बन जांदा है वी हाइड्रा विच जो प्रजनन है वो किस विधि राही हुंदा है, तो वह हुंदा है अलिंगी प्रजनन। अगे तुसी सैकेंड क्वेश्चन देख पा रहे हो, हेठ दर्शाया गया चित्र किस जीव का है, तो यह किस चीज़ का है, यह है हाइड्रा जिस विच जो प्रजनन है अलिंगी हुंदा है अते प्रजनन है वो बडिंग राही हो रहा है। अगे तुसी थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हो, हेठा दिता गया चित्र किस जीव का जीवन चक्कर दर्शाता है, तो तुहानू पता लग गया होएगा सबनों आ किस चीज़ का जीवन चक्कर दर्शा रहा अपन, फ्रॉग का यानी कि डड्डू का। अगर तुम फोर्थ क्वेश्चन देख पा रहे हो, दिता गया चित्र अंबिबा दे अलिंगी प्रजनन की कौन क्रिया दर्शाता है, तो जो एक अंबिबा है वह हौली हौली की है खंडन राही दो अंबिबा विच वंड हो रही है उत्ती, तो इसनों आप बोलते हाँ दो खंडन। अगर तुम फिफ्थ क्वेश्चन देख पा रहे हो, मादा युगमज नूं की कहिंदे हन, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मादा युगमक नूं की कहिंदे हन, अंडाणु कहिंदे हन। अगे सिक्स क्वेश्चन देख पा रहे हो, तुसी एक अंबिबा दी वन नाल दो अंबिबा पैदा हुंदे हन, इस प्रकार दी अलिंगी प्रजनन नूं की कहिंदे हन, तो दो खंडन कहिंदे हन। आ भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगे तुसी सैवंथ क्वेश्चन देख पा रहे हो, अंदरूनी निषेचन हुंदा है मादा दे शरीर दे अंदर, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंदरूनी निषेचन मादा दे शरीर दे अंदर हुंदा है। अगर तुसी एट्थ क्वेश्चन देख पा रहे हो, एक टैडपोल किनू बोलते हैं, डड्डू दा लार्वा जिस प्रक्रिया द्वारा प्रौढ़ विच विकसित हुंदा है वो है, उन्हू की बोलते हैं, काया परिवर्तन बोलते हैं, काफ़ी बारी एग्जाम विच आ क्वेश्चन आया हुआ है। अगर तुसी नाइन्थ क्वेश्चन देख पा रहे हो, एक युग्मज विच पाए जाण वाले केंद्रकां दी संख्या हुंदी है, तां किन्ने हुंदे है, एक केंद्र हुंदा है। अगर तुसीं 10th क्वेश्चन देख पा रहे हो, निषेचन दे सिट्टे वजों किस रचना दा निर्माण हुंदा है, तां निषेचन दे सिट्टे वजों किस दा निर्माण हुंदा है, युग्मज दा निर्माण हुंदा है। तां तुसीं इन्हां क्वेश्चन्स नूं चंगी तरह रिवाइज़ जरूर कर लो। थैंक यू।